जय हिंद दोस्तों, पप्पू की जोरदार वापसी हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने इसे छिपाने के लिए करोड़ों रुपया खर्च किया। भारत जोड़ो यात्रा पार्ट वन और पार्ट टू का भी आयोजन किया गया, लेकिन ये सब कुछ बेकार चला गया है। राहुल गांधी के अंदर का पप्पू बाहर आ गया है। चलिए अब जलेबी की तरह बातों को ना घुमाते हुए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव चल रहा है, साथ में जम्मू कश्मीर में भी चुनाव चल रहे हैं। 2 दिन पहले राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए हरियाणा में थे। इस दौरान एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने एक किस्सा सुनाया कि हरियाणा की एक दुकान पर उन्होंने जलेबी खाई और वो जलेबी उन्हें बहुत पसंद आई। यहां तक तो सब ठीक चल रहा था। आगे जो उन्होंने कहा उससे उनके अंदर का छिपा पप्पू बाहर आ गया। राहुल गांधी ने आगे कहा कि उन्होंने प्रियंका को फोन पर जलेबी के बारे में बताया और कहा कि एक डिब्बा जलेबी वह प्रियंका को भी ले जाएंगे। इसके बाद पप्पू भाई और जोश में आ गए और कहने लगे कि हरियाणा की इस जलेबी को अन्य राज्यों में विदेश में भेजना चाहिए। राहुल गांधी की इस मूर्खता को वहां किसी ने नहीं रोका। किसी ने उन्हें यह तक नहीं बताया कि भारत के शहर शहर में जलेबी बनती है और इसे गरम गरम खाया जाता है। ठंडी होने के बाद इसे कोई खाना पसंद नहीं करता। आपने भी कई बार जलेबी खाई होगी और दुकानदार से गर्म जलेबी ही मांगी होगी। 2 दिन पुरानी तो दो घंटे पुरानी जलेबी भी कोई नहीं खाता, लेकिन राहुल गांधी इसे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। दरअसल इससे यह स्पष्ट होता है कि राहुल गांधी को भारत की कोई समझ नहीं है, ना उन्हें देश की संस्कृति के बारे में जानकारी है और ना ही उन्हें देश के खान पान की जानकारी है। यदि उन्हें थोड़ी भी देश की समझ होती तो वह इस तरह की बकवास नहीं करते। कांग्रेस ने उनकी पप्पू की छवि को समाप्त करने के लिए खूब पैसा बहाया, इको सिस्टम लगाया। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी की इमेज बदल रही है। राहुल गांधी अब एक गंभीर नेता बन गए हैं, लेकिन हरियाणा में उनके इस बयान के बाद ऐसा लग रहा है कि नहीं, राहुल गांधी आज भी वही पप्पू हैं। लेकिन कांग्रेस यह सच जानना नहीं चाहती या जानकर भी अनजान बन रही है कि गधे को शेर की खाल पहनाने से गधा शेर नहीं हो जाता। इसी तरह राहुल गांधी को जबरन कभी किसी खेत में तो कभी किसी गैरेज में बिठा देने से या कुली बना देने से उन्हें देश की समझ हो जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि विदेशी माहौल में पले बड़े राहुल गांधी के लिए ये सब एक शूटिंग की तरह होता है। शूटिंग खत्म, खेल खत्म। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद।